कहने को आज 30 मई है और 30 मई को अपन का जन्मदिन होता है ना। मुझे याद है कि आज मेरा जन्मदिन है ना, मेरे पति को याद है आज मेरा जन्मदिन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई एम प्रतिभा। स्टार्ट करने जा रही हूँ आज का नया ब्लॉग। सुबह का टाइम है, अभी 6 बजे है, 6:15 बजे का टाइम है। धूप भी आ गई है और बस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश कर रही हूँ। तो आज मेरी किचन जो है ना, ये वाला पूरा डिब्बे सब मैंने नीचे निकाले हैं, इनकी सफाई कर रही हूँ आज। ये देखिए पूरी किचन में आज ऐसे ना दमासाम मचा हुआ है पूरा। तो यहाँ से ये डिब्बे सारे निकाली हूँ, शेल्फ क्लीन की है और अब सारे डिब्बे यहाँ वापस धो के लगा रही हूँ। तो मेरी किचन वा में अभी काम चल रहा है। ये देखिए आटा वाटा भी गूंद लिया, क्योंकि साथ साथ में मैं खाने का काम भी कर रही हूँ। राजमा की दाल बॉईल करने रख दी है और बाकी का पूरा सफाई का काम चल रहा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरी आ गई हैं यहाँ पे, क्लीन करके मैंने लगा दी हैं। सो अभी बाकी के जो बर्तन बुर्तन सब धो रही हूँ और साथ साथ में पूरी किचन मेरी क्लीन हो रही है, या नीचे नीचे मैं पूरा इसको भी क्लीन कर रही हूँ, सब कुछ निकाला है बाहर। साथ साथ में मैं राजमा की दाल भी बना दूंगी दिन के लिए और साथ साथ में अभी मॉर्निंग का पूरा मेरा किचन भी क्लीन हो जाएगा। कहने को आज 30 मई है और 30 मई को अपन का जन्मदिन होता है, बट ना मुझे याद है कि आज मेरा जन्मदिन है, ना मेरे पति को याद है आज मेरा जन्मदिन है। बच्चे को तो कहाँ से याद होगा, बताया भी नहीं हमने। सो आज का जन्मदिन इतना स्पेशल है ना, अभी 9 बज गए हैं और 9 बजे मुझे अचानक ना मैंने फ़ोन ऑन किया और फ़ोन पे मेरे को एक मैसेज आया है, हैप्पी बर्थडे प्रतिभा, गूगल से। सो मैंने कहा यार आज तो मेरा जन्मदिन है, मैं तो भूल ही गई बिल्कुल दिमाग से। बस अभी देखते हैं कि आज के दिन में क्या स्पेशल होता है जन्मदिन पे। वैसे अभी तक तो कुछ भी नहीं की हूँ मैं, बट सोच रही हूँ थोड़ा सा प्रसाद बना के मंदिर में चढ़ा देते हैं, इतना काम कर लेते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। सो फाइनली मैं नहा धो के आ गई हूँ। चलो जी अपना जन्मदिन याद आ गया तो सोचा यार भगवान को थोड़ा सा प्रसाद ही चढ़ा दिया जाए, और कुछ ना सही तो प्रसाद ही चढ़ा दिया जाए। वैसे जन्मदिन वनमदिन ये सब चीजें ना मैं उतना ज्यादा इन चीजों में पागल नहीं रहती हूँ, बट हाँ इस दिन पे थोड़ा सा प्रसाद वगैरह जरूर भगवान को चढ़ाना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें दुनिया में भेजा, और दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छे काम करके जाना चाहिए। जरूर कुछ ऐसे काम करिए जिससे दुनिया आपको याद रखे, आपके बारे में एक अच्छी राय लोग बनाए। सो दुनिया में आए हैं तो उस आने को व्यर्थ मत जाने दें, उसको कहीं ना कहीं जरूर अच्छे काम करके अपना नाम बनाए। तो बस इसीलिए यहाँ पे हम भगवान जी का शुक्रिया अदा करने के लिए ये थोड़ा सा हलवा बनाएंगे और बस मंदिर जाऊंगी और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के आऊंगी। सो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है अपना घी और साथ में सूजी, तो मैं जल्दी जल्दी से हलवा बना लेती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं टेम्पल में। कहते हैं कि इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, पता नहीं कितनी जोड़ियां काटने के बाद इंसान का जन्म मिलता है। सो लोग पता नहीं क्यों उस जन्म को समझ नहीं पाते हैं और वो जो जिंदगी होती है उसको व्यर्थ फालतू की चीजों में वेस्ट कर देते हैं। सो थोड़ा सा भगवान पे ध्यान दीजिए और अच्छे काम करिए, क्योंकि इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और एक ही बार मिलता है। सो इस जन्म में बहुत अच्छे अच्छे काम जरूर करने चाहिए। तो यहाँ यहाँ मौका मिले किसी की मदद करिए, जहां जहां मौका मिले किसी के बारे में अच्छी राय बनाइए, किसी के बारे में अच्छी बातें बोलिए, क्योंकि किसी के बारे में अच्छा बोलना ना बहुत मुश्किल काम है, बुराई किसी की करना बहुत ईजी है। आप कभी भी किसी की भी बुराई कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि दुनिया ही आज इस काम पे लगी है कि किसी की बुराई करो, किसी की निंदा करो, किसी को गंदा बोलो, किसी के बच्चों की बेइज्जती करो, किसी को अगर दुख है तो उसपे हंसो, कोई रो रहा है तो उसपे हंसो, आज दुनिया यही काम करने में लगी है। बट मेरे दोस्तों कुछ ऐसा करिए कि जिससे रोते हुए के चेहरे पे खुशी आ जाए और रोता हुआ इंसान हंसने लग जाए, कुछ ऐसे काम करिए, क्योंकि इंसान का जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये बहुत कीमती जन्म होता है, इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग शायद इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि इंसान का जन्म बहुत ही ज्यादा कीमती है और हमें इस टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मतलब इंसान के जन्म में बहुत अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, हर इंसान ये समझता है। लेकिन पता नहीं फिर इंसान, मतलब सामाजिक ये जो बुराइयां, ये जो उल्टी सीधी बातें हैं, इसमें इतना उलझ जाता है इंसान कि किसी की बुराई करने में उसे जो मजा आता है ना, मतलब आनंद कहते हैं ना, कि जब तक थोड़ी मतलब लेडीज साथ में बैठेंगी, किसी की निंदा ना करें तो वो मजा नहीं आता। मजा समझ रहे हो कि मतलब आहा, मतलब मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत गलत। कभी किसी की निंदा मत करिए, क्योंकि भगवान जो है ना सब देखते हैं। आज आप किसी की निंदा कर रहे हो, पता नहीं कल को किस तरीके से वो वापस आएगा, पता नहीं होता। इसलिए अपने मुंह से अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलिए, चुप रहिए, बिल्कुल चुप। किसी के लिए अगर अच्छा बोल सकते हो बोलिए, बट अगर गंदा या बुरा बोलना है तो मुंह को बिल्कुल बंद कर दीजिए, कुछ मत बोलिए किसी के लिए, क्योंकि अच्छा बोलोगे तो बहुत अच्छा फल भी मिलेगा। तो यहाँ पे बस मेरा चल रहा है अभी हलवे का काम, तो थोड़ी सी मैं सूजी डालूंगी और थोड़ा सा आटा डाल के दोनों मिक्स करके, मतलब
से 4 चम्मच सूजी डाल दूंगी और उसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच आटा डाल के एक हलवा बना दूंगी, क्योंकि यहाँ पे कंजकें वगैरह मिलती भी नहीं है और मैं देना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि आज टाइम ऐसा है ना कि कोई भी इंसान किसी की फीलिंग्स को समझता नहीं है, किसी को भी कुछ भी हो जाए तो पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें बना देते हैं। उससे अच्छा है भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान जी को अर्पण कर दीजिए प्रसाद, उससे बड़ा कुछ भी नहीं, वहां वो सबसे अच्छा है। तो ये मैंने सूजी ले ली है, सूजी को डाल देते हैं, थोड़ी सूजी भून लेंगे, उसके बाद हम आटा डालेंगे। तो फाइनली कर लेते हैं जन्मदिन की बात। तो जो लोगों के जन्मदिन होते हैं और उनको शिकायत रहती है कि हमारे पति हमारे जन्मदिन याद नहीं रखते हैं, हमारे पति को हमारी सालगिरह मैरिज एनिवर्सरी वगैरह याद नहीं रहती है, सो उन लोगों से मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आज मेरा जन्मदिन है, मेरे पति को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं है। पति को छोड़िए मुझे भी याद नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है। आज से 5-6 दिन पहले मुझे याद था कि आज मेरा जन्मदिन है 30 को, बट आज पता नहीं ऐसे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया, मैंने फोन पे मैसेज देख के अपना जन्मदिन याद किया कि मेरा आज जन्मदिन है। सो क्या है ना, ये जो दुनियादारी जिसको बोलते हैं ना, इसमें हम इतना बिजी हो जाते हैं, इतना काम, इतनी ज्यादा चीजें और इतनी उलझी हुई जिंदगी है आज, आज के टाइम पे इजी नहीं है लाइफ जीना। मतलब कोई भी आप काम करोगे वो बहुत ज्यादा टफ है हर चीज में, मतलब कोई भी, और दिमाग इतना ज्यादा बिजी हो जाता है। और दूसरी चीज, अकेले लोग आज के टाइम पे कोई किसी के साथ रहना ही पसंद नहीं करता है, सब अकेले 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 अकेले, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। सो क्या है ना कि जब जॉइंट रहते थे तो कोई ना कोई वो चीज याद करवा देता था, बट अकेले में अब इंसान इतना उलझा है कि वो उलझनों को सुलझाए या फिर ये दिन याद रखे। इसीलिए कभी भी शिकायत मत करिए, अगर आपका जन्मदिन है गुस्सा मत करिए, खुद ही बता दीजिए कि मेरा जन्मदिन है। अगर मेरी तरह भूल गए हो तो चलो गूगल वूगल से याद कर लीजिए, अगर याद है तो अपने पति देव जी को समझा दीजिए, मतलब बता दीजिए कि यार आज मेरा जन्मदिन है, आप भूल गए, और प्यार से, ठीक है, क्योंकि हंस के अगर कोई बात बोलोगे तो वो दिन आपका ना, मतलब उस दिन में 4 चांद लग जाएंगे, बहुत ज्यादा खुशियां आएंगी। तो अगर गुस्सा करोगे तो वो चीजें जो है खराब हो जाती। सो अपने तरीके से अपना जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए, नहीं ज्यादा कुछ कर सकते हैं, एक टॉफी का जो पैकेट होता है वो ही ले आइए और अपने मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को वो टॉफीज बांट दीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम है। अगर हलवा बना सकते हैं हलवा बनाइए, पूरी बनाइए, चना बनाइए, और कंजके हैं अगर तो खिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे मंदिर में चढ़ा दीजिए। सो किसी भी तरीके से अपना जन्मदिन जरूर बनाइए, जरूरी नहीं है कि बहुत 5-स्टार वाले जन्मदिन बनाइए, नो नीड टू वेस्ट मनी। सो अच्छे अच्छे मतलब अच्छे तरीके से, जैसे जिसमें भगवान जी इन्वॉल्व हो, ऐसे काम जरूर करिए आज के दिन। मैंने मलाई जमाई थी रात को, ये पूरी मलाई है तो अच्छी खासी जम गई है, एकदम टुक्कर का टुक्कर जम गई है। सो मैं अभी इसको फ्रिज में लगा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको फ्रिज में मतलब 2-3 घंटे के लिए, अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा ना, तो जो मदानी आती है ना, जो क्या कहते हैं उसको आप, जो ये इस तरह की, ये इस तरह की जो आती है, इसको आप पता नहीं क्या बोलते हैं, तो इसके साथ ना अच्छे से फेंटेंगे 4-5 बार और मक्खन निकल जाएगा। सो गर्मियों में ये दही मलाई जो बहुत अच्छे से जम जाती है, सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत आती है। सो इसको अभी मैं फ्रिज में लगा देती हूँ एंड ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि घी निकल जाएगा जल्दी से। प्रसाद मेरा यहाँ बन चुका है, हम जा रहे हैं मंदिर में, तो चलिए हमारे साथ चलते हैं मंदिर में, थोड़ा सा जय जय करके आते हैं। लेट्स गो, वॉक वॉक। सो पुंजू हमारा आगे आगे चल रहा है, गंजू पुंजू, और पहुंच गए हम मंदिर। सो पहुंच गए हैं मंदिर में, थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं अभी और भगवान जी को शुक्रिया अदा कर लेते। माता रानी रक्षा करना, मां श्री रमालिया। नो क्लोज योर हैंड्स। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलवा टिक टिक स्मॉल बाय स्मॉल पीस एंड पुट हियर। यस, जय हनुमान जी की। नेक्स्ट। यस, आ गई हूँ मैं वापस प्रसाद मंदिर में चढ़ा के। अभी कुछ भी अपना अपना भी थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, क्योंकि ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, तो मैं बस जल्दी से खा पी लूंगी और फिर उसके बाद वो काम करना है। तो गाइस मंदिर से होके हम आ गए हैं, अभी मैं जा रही हूँ राजमा को तड़का लगाने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी राजमा बन जाएगी, तो अभी तक ट्यूशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो थोड़ा सा राजमा वगैरह बना लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ प्याज लहसुन हो गया है, अभी टमाटर डाल के और जल्दी से ग्रेवी बना लेते हैं। सो दाल बन गई है, चढ़ा लेते चावल भी इधर दूसरी साइड पे, और लंच का काम हो गया खत्म। तो 11 बजे हैं, 11 बजे मेरा लंच वंच का काम पूरा खत्म हो गया, दाल चावल चढ़ा दिए। यार बहुत ज्यादा गर्मी होती है यार, मैं सुबह में ही खाना ट्राई करती हूँ बनाने की, आज वैसे चावल जल्दी चढ़ा दिए क्योंकि मुझे लग रही है भूख। सुबह मैंने सिर्फ एक ही पराठा खाया था, वो भी तब जब ये ड्यूटी गए थे।
उस टाइम पे, तो आपको हंसी आएगी कि मैं खाना मतलब पराठा, एक ही पराठा खाई थी सुबह, और उसके बाद मतलब जब मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही थी ना, तब मुझे याद आया कि आज मेरा जन्मदिन है। फिर मैं उठी, नहाई, नए कपड़े पहने, प्रसाद बनाया, फिर मंदिर गई। ठीक है, तो ऐसा काम चल रहा है आज हमारा। तो बस अभी ना सो कांच का डब्बा सुखाई हूँ धो के। अनारदाना लाई थी यार जब जम्मू गई थी ना, तो मेरे मायके से वो भेजा था उन्होंने अनारदाना, ये देखो अनारदाना, तो ये लिफाफे में ही पड़ा हुआ था। आज मैं डिब्बे साफ कर रही थी तो उसमें से निकला, मैंने कहा यार ये तो खराब हो जाएगा, फिर मैंने ये डिब्बा सुखाया और अब इस डिब्बे में डाल रही हूँ उसको। अनारदाने की पता है, आप पराठा बनाओ अनारदाने को, आप चटनी बनाओ अनारदाने को, आप दाल वाल में डालो जैसे राजमा वगैरह होती है ना, इसके साथ अगर चटनी वटनी बनाओगे अनारदाना की, बहुत ज्यादा टेस्ट आता है। सो मुझे अनारदाना बहुत पसंद है। क्या सोच रही हूँ थोड़ी सी इसको ना धूप लगवा देती हूँ, क्योंकि ना ये काफी देर से डिब्बे में बंद था, तो थोड़ी सी ना धूप लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद डाल देती हूँ इसको मैं। माँ के पास जब भी जाती हूँ ना, माँ इतना बड़ा बैग भर के आटा, इतना बड़ा बैग भर के चावल, मतलब 25 केजी के पास पास इतना इतना भर के दे देते हैं। अभी तो गई नहीं हूँ, काफी देर हो गई है, और पिछली बार मतलब जब गई थी तब ये इतना अनारदाना, ये 1.5 केजी के ऊपर ऊपर होगा, इतना उन्होंने अनारदाना दे दिया था। फिर उसका बाकी सब चीजें मैं डाल के देते रहता, अखरोट, इतने सारे अखरोट दे दिए थे, बहुत बड़ा लिफाफा भर के। सो बस वो देते रहते, जब मैं जाती हूँ ना फिर खूब सारा दे देते हैं सामान। अभी तो गई नहीं, अभी काफी देर हो गई है अपने घर गए हुए, सो देखते हैं कब चक्कर लगता है। पता है लास्ट टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मम्मी ने इतना बड़ा मक्खन पूरा लिफाफा भर के दे दिया था, तो वो मक्खन तब सर्दियां थी, तो मैंने बहुत दिन खाया था, बहुत मतलब इतना, वहां जैसा मक्खन दूध तो कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि घर का दूध इतना अच्छा होता है ना वहां पे, क्योंकि घर पे ही चाहिए, गाय खूब, अपने खेत बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहां जाके गाय वगैरह चरती हैं, तो कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा खाती नहीं जिसके दूध खराब हो, तो बहुत मजा आता है, वहां जाओ ना तो बहुत मजा आता है। अब चलिए नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी आपको ले चलूंगी और दिखाऊंगी अपना पूरा सब एरिया वहां का। तो यहाँ पे राजमा की दाल में मेरी बॉयल आ गया है, और बस थोड़ी देर और बॉयल करूंगी, फिर इसमें धनिया वगैरह डालूंगी गार्निश करने के लिए, और यहाँ पे बस कुकर को भी सीटी होने वाली है और लंच मेरा रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने देखिए अनारदाना धूप में रख दिया, ऊपर से चादर डाल दिया नेट की, सो अच्छे से इसको धूप लग जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं इसको डिब्बे में डाल दूंगी। चलो कुकर को सीटी हो गई, कर देते बंद। चलिए धनिया डाल दिया मैंने, दाल हमारी फिनिश हो चुकी है बनके, राजमा की दाल। अभी ये देखो गीता, गिव मी आ पेन, गीता गिव मी आ पेन, बताओ इसमें इसमें क्या क्या आएगा? गीता में आएगा नाउन। गीता क्या है? नाउन। गिव क्या है? गिव क्या है? क्या शो कर रहा है गिव? वो गिव क्या है? काम। गिव क्या है? काम। तो ये आ जाएगा वो, वेट, गीता गिव मी आ रेड पेन। गिव क्या आ जाएगा? वो मी क्या आ जाएगा? ओके, एंड ए क्या आ जाएगा? आर्टिकल। रेड क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। गुड गर्ल। पेन क्या आ जाएगा? नाउन। बट अगर कोई भी वर्ड यहाँ पे आए जो ये शो करे जो रेड को भी क्लैरिफाई करे, जैसे मतलब किस तरह का रेड पेन चाहिए, डार्क रेड, लाइट रेड, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? एडवर्ब आ जाएगा, जो एडजेक्टिव को भी क्लैरिफाई करे, दैट इज अ एडवर्ब। आगे वाले जितने भी हैं वो सारे कंप्लीट करो, ठीक है? कोई भी डाउट आता है मेरे से पूछते जाओ, ओके? खुशांति कम हियर, व्हाट डू यू वांट टू बी? वी राइट आई, हाउ वी राइट आई? वन स्लीपिंग लाइन, अनदर स्लीपिंग लाइन, सिट देयर, सिट देयर एंड रीड, राइट ऑन योर नोटबुक, वन स्लीपिंग लाइन ऑन अ रेड लाइन एंड लोअर स्लीपिंग लाइन ऑन अ लोअर ब्लू लाइन, and join them from the center of both the lines. This is uppercase I. Okay, let's go next. Again, two sleeping lines. Join from the center of both the sleeping lines. That is a uppercase I. किसी में भी डाउट आता है मुझे पूछो, मैं आपको बताती जाऊंगी, ओके? अभी हम जा रहे हैं जी लंच करने के लिए, और पतिदेव हमारे आ गए, इनको याद कोई नहीं था कि मेरा बर्थडे है आज, सो याद है
क्या बोल रहे हैं कि रात को मुझे याद था कि मुझे सुबह विश करना है, बट सुबह भूल गया और मैं ड्यूटी चला गया। तो पतिदेव जस्ट अभी घर पहुंचे हैं और यहाँ पे कुशागिरी जो है बारिश का मजा ले रही है। एकदम से बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश, सो मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है यार, देखो। वाओ, हेलो, व्हाट यू आर डूइंग? ओह वाओ, एंजॉय एंजॉय। ओके, यूज अम्ब्रेला। ओके,